आखिर क्या रहस्य छुपा है कंचनजंगा पर्वत पर? क्यों इसे राक्षसों का घर माना जाता है? कैसे एक पर्वतरोही अचानक गायब हो गया? इस पर्वत पर सबसे पहले चढ़ने वाले दो माउंटेनियर कौन थे? क्यों आज भी सिक्किम के लोग इस पर्वत के लिए नृत्य करते हैं? आइए जानते हैं ऐसे कई सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। दोस्तों, दुनिया में कई खूबसूरत जगह है जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। हर साल लोग नई नई जगहों पर जाते रहते हैं और वहाँ से कई अच्छी यादें लेकर लौटते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसी जगहें भी हैं जो रहस्यों से भरी हुई हैं? आपने कई कहानियां सुनी होंगी कि उस जगह पर कई रहस्य छुपे हैं जो वैज्ञानिक भी आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। और इन्हीं जगहों में से एक है हिमालय की चोटी कंचनजंगा, जिसके रहस्यों का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। हिमालय पर्वतमाला में ऐसी कई चोटियां और हिमनद हैं जो हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुसार अपनी धार्मिक महत्वता की वजह से जानी जाती है, जैसे नंदी देवी या कैलाश पर्वत। इन्हीं की तरह कंचनजंगा भी एक ऐसा ही पर्वत है जो अपने धार्मिक नजरिए की वजह से जरूरी माना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वालों में से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इस पर्वत पर चढ़ाई करने में कामयाब हुए हैं। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा बेहद ही खूबसूरत है। इसकी ऊंचाई 28,159 फीट है। ये सिक्किम राज्य पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी नेपाल की सीमा पर पूर्वी हिमालय में स्थित है, जो सिक्किम के दार्जिलिंग से 74 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। भले ही हमें कंचनजंगा का नाम एक लगता हो, लेकिन ये चार शब्दों से मिलकर बना है। इसमें कांग यानी बर्फ, चेन यानी बड़ा, इजो यानी खजाना, अंगा यानी पांच, जिसका मतलब है कि बर्फ में दबे पांच खजाने। ऐसा माना जाता है कि हर खजाना भगवान के द्वारा रखा गया है और इसकी पांच चोटियों में सोना, नमक, जवाहरात, धर्म ग्रंथ और शस्त्र रखे हुए हैं। वहीं सिक्किम में इस पर्वत को लेकर लोगों की मान्यता ये है कि इस पर्वत की रक्षा राक्षस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, राक्षस। कहा जाता है कि जब ये पर्वत खुश होता है तो सिक्किम में फसलें अच्छी हो जाती हैं और नदियां मछलियों से भर जाती हैं। लेकिन जब ये पर्वत नाराज होता है तो वहां भारी तबाही होती है। आपको बता दें, जिन्होंने भी इस पर्वत को चढ़ने की कोशिश की वो या तो मारे गए हैं या फिर इस पर्वत पर चढ़ ही ना सके। बड़ी मुश्किल से लोगों ने इस पर्वत को फतेह किया है। सिक्किम के स्थानीय लोग इस पर्वत को देवता की तरह मानते हैं। वहीं विदेशी लोगों के लिए पर्वत एक एडवेंचर है और वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। लेकिन इस पर्वत की कहानी है क्या, इसे जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस पर्वत के इतिहास के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में तिब्बत में एक बौद्ध साधु थे जिनका नाम था पद्मसंभव। उन्हें लोग सम्मान से लोपो रिनपोछे के नाम से पुकारते थे, जिसका मतलब होता है वो गुरु जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। इन्हीं गुरु यानी रिनपोछे ने कंचनजंगा को पहली बार देवता की तरह पूजा था और तभी से बौद्ध मान्यताओं में कंचनजंगा को अलग ही महत्व दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यह पर्वत पांच चोटियों से मिलकर बना है। कंचनजंगा प्रथम, कंचनजंगा मध्य, कंचनजंगा पश्चिम, कंचनजंगा दक्षिण और कांगबा चेन। इस पर्वत की मान्यता यहीं पर आकर नहीं रुकती, बल्कि तिब्बती बौद्ध समुदाय में इस पर्वत को बेयुल डेमोशोंग यानी मौत और तकलीफ से आगे की दुनिया माना जाता है। आपको बता दें, कंचनजंगा का शुरुआत से ही सिक्किम के लेपचा समुदाय से रिश्ता रहा है। हालांकि ये समुदाय कैसे और कब था, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। एक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि लेपचा समुदाय का रिश्ता कंचनजंगा की बर्फ से है, इसलिए वो इस पर्वत को पवित्र और खुद को कंचनजंगा की बर्फ से पैदा हुए इंसान मानते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि 13वीं शताब्दी में सिक्किम में लोगों का आना जाना ना के ही बराबर था। फिर तिब्बत से आकर यहाँ लोगों ने बसना शुरू किया। यहाँ आने वाले तिब्बती अपने आप को लहापो कहा करते थे और आगे जाकर इन्हें भोटिया कहा जाने लगा। और जैसे जैसे वक्त बीता, इस इलाके में इनका दबदबा बढ़ता चला गया। हालांकि यहाँ पहले से ही लेपचा समुदाय के लोग रहते थे। भूटिया के आने से पहली बार लेपचा लोगों को भी बौद्ध धर्म से जुड़ने का मौका मिला। और फिर 7वीं शताब्दी में दोनों समुदाय ने मिलकर नामग्याल साम्राज्य की स्थापना की। भूटिया समुदाय तो पहले ही बौद्ध धर्म को मानता था और बौद्ध धर्म में कंचनजंगा पर्वत को देवता की तरह पूजा जाता था, इसलिए भूटिया और लेपचा के साथ आने के बाद कंचनजंगा की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई और दोनों ही समुदाय इस पर्वत को देवता की तरह पूजने लगे। लेकिन इत्तेफाक से जो भी कंचनजंगा की चोटी के करीब गया उसका हश्र दर्दनाक हुआ। इसी वजह से इस मान्यता को दोनों समुदाय मानने लगे कि इस पर्वत की सुरक्षा राक्षस करते हैं और राक्षसी चोटी पर चढ़ाई करने वालों के लिए खतरा पैदा करते हैं।
इसी वजह से आज भी सिक्किम के बौद्ध लामा अपनी धर्मशालाओं में कंचनजंगा को खुश करने के लिए डांस करते हैं। वहीं 18वीं शताब्दी में नेपाल के गुरखाओं समुदाय ने उत्तर और पूर्वी भारत के कई इलाकों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। तब उन्होंने सिक्किम के साम्राज्य के कुछ हिस्से भी अपने कब्जे में ले लिए। इससे परेशान होकर सिक्किम के राजा को अंग्रेजों से मदद लेनी पड़ी और ये युद्ध 1814 से 1816 तक चला। इस युद्ध में गुरखाओं के हारने के बाद सिक्किम गुरखाओं के हाथ से निकल गया और अंग्रेजों को सिक्किम से तिब्बत जाने का सुनहरा मौका मिल गया। सन 1835 में नामग्याल साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच हुए एक समझौते के तहत अंग्रेजों को दार्जिलिंग मिल गया, जिससे उन्हें दो फायदे हुए। पहला तो अंग्रेजों को बंगाल की गर्मी से राहत मिल गई और दूसरा अंग्रेजों के लिए दार्जिलिंग से हिमालय पर्वतमाला के सर्वेक्षण का काम भी आसान हो गया। हालांकि सर्वे करने वालों की दिलचस्पी इस इलाके में बढ़ती गई और वो इस पर्वत के पास मौजूद पहाड़ों पर चढ़ाई करने की कोशिशें करने लगे। इसके बाद साल 1881 में कप्तान हरमन ने कंचनजंगा की तलहटी तक पहुंचने की कोशिश की, पर घने जंगल वाला रास्ता होने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और उसी साल उनकी डेथ हो गई। इसके बाद 19वीं शताब्दी के दौरान दो ब्रिटिश अधिकारियों की कंचनजंगा पर चढ़ने की दिलचस्पी जागी। पहले थे जेसी वाइट, जो कि उस वक्त सिक्किम के पॉलिटिकल अफसर थे और यहाँ 20 साल से रह रहे थे। दूसरे थे कलकत्ता के एक फोटोग्राफर टी हॉफमैन। दोनों ने इस पर्वत पर सफर शुरू किया और 5350 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए, लेकिन फिर दोबारा वापस नीचे आ गए। इसके बाद साल 1905 में इस कोशिश में एक यूरोपियन पर्वतारोही और 3 स्थानीय लोग पर्वत की चढ़ाई करने पहुंचे, लेकिन अफसोस वो चारों वापस ही न लौट सके। उसके बाद लगभग 5 दशकों तक इसकी मुख्य चोटी की चढ़ाई करने के कई अभियान लगातार नाकाम होते रहे। फिर आया साल 1929, जब जर्मनी के 9 सदस्यों वाली साहसी दल ने कंचनजंगा पर चढ़ने का फैसला किया और इनके कप्तान थे पॉल बोर, जिन्होंने प्लान बनाया था कि वो लोग कंचनजंगा पर एक अलग रास्ते से चढ़ाई करेंगे और इस तरह नए रास्ते से वो 7400 मीटर की हाइट तक पहुंच गए। लेकिन तभी अचानक मौसम खराब हो गया और पॉल को अपने दल के साथ वापस लौटना पड़ा। इसके बाद साल 1931 में पॉल ने फिर से कंचनजंगा को फतेह करने की कोशिश की, लेकिन 7307 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते ही मौसम फिर से खराब होता चला गया और लगभग 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन फिर भी पॉल ने इस कोशिश को जारी रखा। कुछ दिनों में पॉल कंचनजंगा की पूर्वी दिशा के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंच गए, लेकिन यहां से आगे जाने का मतलब मौत को दावत देने जैसा था, इसलिए दोबारा पॉल को नीचे वापस आना पड़ा। फिर आया साल आजादी का, यानी 1947 का, जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ और उन्हें सिक्किम सहित पूरे देश से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जाना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों की कंचनजंगा पर चढ़ने की दिलचस्पी खत्म नहीं हुई। साल 1955 में जो ब्राउन और जॉर्ज बैंड ने सिक्किम के राजवंशी परिवार से कंचनजंगा पर चढ़ने की परमिशन मांगी, क्योंकि उन लोगों के लिए ये पर्वत नहीं बल्कि उनका धार्मिक स्थल था। इसलिए उन्होंने इन दोनों से ये वादा लिया कि वो धार्मिक मान्यताओं का ख्याल रखते हुए चोटी से 6 फीट दूरी रहेंगे। उनकी बात का मान रखते हुए जो ब्राउन और जॉर्ज बैंड ने ऐसा ही किया। ये दोनों पर्वत की चोटी से करीब 6 फीट दूर रहे और अपनी कोशिश को कामयाब बनाकर वापस आ गए। आपको बता दें, ये मान्यता आज भी है और आज तक कोई भी पर्वतारोही इसकी चोटी पर खड़ा नहीं हो पाया है। करीब 200 पर्वतारोहियों ने इसके करीब जाने की कोशिश की और उनमें से 1/4 लोग इसी कोशिश में मारे गए। हर पर्वतारोही आज भी उसकी चोटी से कुछ फीट दूर ही रुक जाता है। 200 कंचनजंगा पर न जाने कितने लोगों की मौत हुई और उनके शव आज तक वापस नहीं आए। वहीं कंचनजंगा को एक पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षस का घर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत की रक्षा एक राक्षस करता है। साथ ही इस पर्वत पर एक येती नाम का जीव भी रहता है, जिसके पैरों के निशान पहाड़ पर चढ़ने वाले लोगों ने देखे हैं और उसके सामने आने की कई कहानियां भी बयान की हैं। वहीं कंचनजंगा पर बहुत सारे भूतों की कहानियां भी बसी हुई हैं। दरअसल ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों को भ्रम और हेलुसिनेशंस होते हैं। ऐसे में कई लोग भूत, आत्मा, जीव देखने और अनोखी आवाजें सुनने का दावा करते हैं। कंचनजंगा की चोटी पर कई लोग गायब भी हो चुके हैं। ऐसे ही किस्सा एक भिक्षु से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि तुलशुक लिंगपा नाम का एक तिब्बतीयन भिक्षु अपने 12 साथियों के साथ एक नए रास्ते की खोज के लिए इस चोटी पर निकला था और वह जोर जोर से मंत्र पढ़ता जा रहा था। ऐसा मानना है कि वो बर्फ के नीचे ही गायब हो गया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो हिमस्खलन का शिकार हो गया। ऐसे ही 1992 में एक पोलिश पर्वतारोही ने कंचनजंगा पर जाने की कोशिश की। वरना पहली महिला बनना चाहती थी जिसने हिमालय की सभी 14 चोटियों पर चढ़ाई की हो, पर वो इस पर्वत पर चढ़ते वक्त अचानक गायब हो गई और उनका शव आज तक नहीं मिला है। ऐसा माना जाता है कि वो बर्फ के नीचे दब गई थी। ऐसी ही कहानियां और किस्से कंचनजंगा से जुड़े आपको मिल जाएंगे। ये पर्वत कुछ अलग और खास है
और इसके रहस्यों के बारे में आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। वेल दोस्तों, आपको ये जानकारी और कंचनजंगा से जुड़े रहस्यों के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।